Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 144, and we are going to talk about that how can we recover from an emotional outburst. So, emotional perspective हर किसी की जिंदगी के अंदर मौजूद हैं और बाज़ों कात हम reactionary हो जाते हैं, बाज़ों कात हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और नतीजतन we are having some unwanted consequences. So, अगर वो अनवॉन्टेड कॉन्सिक्वेंस हों तो हाउ टू टैकल दैम दैट इज दी है मॉड्यूल हमें यह देखना पड़ेगा कि इफ वी आर हैविंग सच एन आउटकम वाई इज इट दैट वी आर बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे वो कौन सी चीज है जो हमें एक्चुअली बॉर्डर वो कर रही है द सेकेंड थिंग डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली दैट जो भी सिचुएशन हमारे साथ हो रही है जो हमें अपसेट कर रही है हमें यह देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन के वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स वो क्या हैं और उन वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट्स में वो कौन से इमोशनल गेम इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड वैल्यूज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी वैल्यूज वो क्या हैं और आपकी वैल्यूज आपको कहाँ पर मुतासर कर रही हैं और कहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी वैल्यूज को ट्रांसग्रेस कर रहे हो या आप ऐसे इकदाम की तरफ प्रेशराइज हो रहे हो जो एक्चुअली आप करना नहीं चाहते हो अन अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस इमोशनल गेम कि हम स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए हरारकी ऑफ प्रियोरिटी क्या है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारी नीड्स वांट्स क्या हैं हमारे लिए कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हम वैल्यू सिस्टम अपना क्या कैरी करते हैं और उस वैल्यू सिस्टम के मुताबिक हम चीजों को लोगों को बातों को सोचों को इलाकों को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस सारे प्रस्पेक्टिव में जब हम ये जान पाए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं उस वक्त हमारे लिए आसान होगा कि हम ये जान पाए कि अब हमें क्या करना है देअर फोर इफ यू नो वाई यू आर थिंकिंग द वे यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू आर थिंकिंग

में रिजिलियंस वो ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा उनकी रिजिलियंस होगी उतना बेहतर वो कंपैशनेट तरीके से अपने सर्वाइवल को इंश्योर वो कर सकेंगे Therefore, my dear students, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो बाज इंसान इमोशनल आउटबर्स का शिकार वो हो सकता है और अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको एकदम से अपने आप को कॉन्शियस और कॉन्शियस प्रस्पेक्टिव में इन्वॉल्व करना है आपको एकदम से सोचना है अपने उन ट्रिगर पॉइंट्स को ताकि आप लोगों के साथ मामला को बेहतर अंजाम वो दे सको थैंक यू